एमपी से हैं अनीता रावत जी, स्वागत है आपका। हमको सर से बात करना जी रावत साहब, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। है। नमस्ते सर। नमस्ते आदाब, जय हिंद। सर, को तो लगता है आप पहचानते ही नहीं, घंटा ही बात कॉल करते थे। हेलो सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर हमारे दो सवाल है सर। अपनी जी बेटी को था सर, ये बहुत मोरिंगा और वो जैतून वो दे रहे थे बहुत मोरिंगा, और अब नुस्खा सर जो आपने बताया था धनिया वाला, तो ठीक है हमारे पास मोती है नमक है सर, ऐसा नुस्खा सर में काम कर जाए, सोराइसिस में भी थायराइड में भी, एक ही नमक जैतून से या उसके गोंद मोरंगा से चलते नहीं वक्त सर अच्छे से, हार्ट पेशेंट है सर, चल नहीं पाते बिल्कुल, जी ना आपकी होता आपकी आयु कितनी है? सर। हमारी आयु है 49 सर, और बेटी की है 20 सर। ठीक है। हाँ देखिए, वो नुस्खा तो बच्ची ले रही है और उसके फ़ायदा तो शायद आपने बताया नहीं, और लेकिन इस नुस्खे से सोराइसिस पर भी फ़र्क पड़ता है। वैसे सोराइसिस के लिए अलसी तो आप जानते हैं, अलसी को अलसी और धनिया हल्का सा भून लें और इसको पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच इसका, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम धनिया हल्का सा भून कर पाउडर बना के रखें, 1 चम्मच ये खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के दिन भर में 1 बार या 2 बार लें तो सोराइसिस को फ़ायदा मुमकिन है। और नुस्खा तो ले रहे हैं आप धनिया वाला, गोंद मोरिंगा वाला, बच्ची को भी फ़ायदा मुमकिन है। और इनका हार्ट का प्रॉब्लम, हाँ देखिए, आपको 5-6 महीने या उससे ज़्यादा इलाज करना चाहिए। देखिए, सिरका कलौंजी का या जैतून का 1 लीटर लें, असली, नकली मत लेना। नकली बहुत भरा पड़ा है मार्केट में, नकली बिल्कुल ना लेना, हर जगह है। तो ये असली सिरका लें 1 लीटर, और 1 लीटर नींबू का रस निकालें, 1 लीटर अदरक का रस निकालें और 1 लीटर लहसुन का रस निकालें। किसी भी तरह ये रस सब एक जगह मिला दें, और ये 5 महीने का नुस्खा बन गया आपका। 5 महीने कम या ज़्यादा चलता है। 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद पी लें, और 3 चम्मच रात को खाने के बाद लगातार पिएं, और अभी ज़्यादा चलें फिरें या मेहनत ना करें, लेकिन ये नुस्खा ख़त्म होते होते आपको सारी आसानियाँ हो जाएंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये बहुत तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा है, मेरा अपना भी तजर्बा है और दूसरे लोगों का भी तजर्बा है। अगर आपने ये ले लिया तो आपको फायदा होना मुमकिन है। हिमाचल से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार, नमस्कार सर। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, 58 एज है, तो मैंने काला गोंद मंगाया था, वो ठीक सूट नहीं आ रहा, सिर दर्द लगती है। छोड़ दिया, क्या कह रहे हैं? काला गोंद मंगवाया था आपसे, तो उससे शायद मेरे को महसूस हुआ अभी बीपी तो नहीं हो जाता उससे। अच्छा, आप बीपी के भी मरीज हैं? आप क्या बीपी के मरीज हैं? हाँ बीपी तो है, पर शायद कभी कभी होता है, वैसे तो नहीं, मैंने दूध के साथ लिया था काला गोंद। हाँ, ले सकते हैं, अगर एहतियात चाहते हैं तो 1 बार ज़रूर लें, 2 बार नहीं ले सकें तो, और बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं इसको, ये थोड़ा ताकतवर है, हो सकता है 10-5% का वो उसका पल्स का या परसेंट का फ़र्क पड़े, तो अपनी दवा के साथ ले सकते हैं, छोड़ें नहीं, और 2 नहीं तो 1 खुराक लें। ये आपके जोड़ों की मरम्मत, कमर की मरम्मत, नसों की मरम्मत के लिए दुनिया की एक ऐसी कुदरती रॉ मटेरियल औषधि है, समझ लीजिए रॉ मटेरियल, कच्ची दवा, जो हमने देखा अपने तजर्बे में, अपने अनुभव में, कि लोगों को इससे फ़ायदा होता है। हरियाणा से हैं अगले कॉलर, कुलदीप जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर।
हाँ जी सुलेमान जी, आदाब जी, जय हिंद, स्वागत है भाई, कैसे हैं? ठीक हो जी, आपकी मालिक लंबी उम्र दे। बताइए क्या सेवा करूं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपके साथ भी अच्छे मामले करे। बहुत बढ़िया जी, एक लड़का है जी अपना पति 26 साल का, उसके एलर्जी होती है, और कल अपने डागर डॉक्टर है उनसे बात करी थी, वो तो उन्होंने वो मार्जुन आर के तौन पर आ जाता है वो मंगाया है, और एक और कह रहे हैं वो दूसरी चीज को है। ठीक है, वो क्या चीज है दूसरी जो मतलब एलर्जी उनको ठीक बहुत ज्यादा आती है, डॉक्टर कहते हैं नाक की हड्डी बदी हुई है, ठीक है बहुत ज्यादा आती है, क्या इसमें फिर ये जो आपका मार्जुनार के तवन प्रास है ये बढ़िया है, इसके साथ कुछ और भी लेना पड़ेगा ये बताइए। ठीक है ठीक है, और कितने दिन ये लेना पड़ेगा? अच्छा देखिए, ये मार्जुन आर केयर 5-6 महीने लगातार लेनी चाहिए, किसी किसी को जल्दी फायदा होता है, किसी को देर में, जल्दी भी फायदा हो जाए तो 5-6 महीने जरूर लें। जिसको भी ये छींके आती हैं उसकी नाक में प्रॉब्लम होती है, और नाक बंद होती है तो डॉक्टर कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई और उसका ऑपरेशन करा डालते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये रोग जो है ये रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसमें कम होती है, इम्यूनिटी जिसमें कम होती है, तो उसको बार बार एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी, मौसम की एलर्जी, हर चीज़ से एलर्जी होती है, यहाँ तक कि हमारे किचन में छौंका लगे तो ये आदमी छींकने लगता है, ये बहुत ज़्यादा एलर्जी की हालत है। तो इसको अच्छा करने के लिए यूनानी में एक इलाज है बस, कि इसकी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, जितनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी इतना ये अपने रोग से खुद लड़ सकता है। तो ऐसे लोग जो भी हैं वो 5-6 महीने इलाज करें, माजून आर केयर आपने ले ली है, लगातार खाएं, इसमें शर्त यह है खट्टी चीज़ खाना बंद, जैसे खट्टी चीज़ कोई भी हो, नींबू हो, आम का अचार हो, जितनी भी चीज़ें हैं खट्टी, तो ये बंद कर दें, और आप गर्म पानी खूब पिया करें, और ये माजून भी गर्म पानी से लिया करें, और ये आपके किचन में होती है ना पीपलें, पीपला मूल, इनको थोड़ी सी पीस कर रख लें, एक चुटकी में जितनी पीपला मूल आए इस माजून में मिला के खा लिया करें गर्म पानी से या चाय से, तो इनका फायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत आपका हमारी बहन का। भाई साहब आपका कितना धन्यवाद करा, शुगर नॉर्मल है, मतलब एकदम पर इसके दम उनके गोंद है, और सिरकार ये अदरक लहसुन वाला भी पी रहे हैं वो भी ठीक हो गया, और जो दवाई खाते थे खून पतला करने की वो भी छोड़ दी, ब्लड प्रेशर की भी छोड़ दी, और गोड्डा में भी आराम है, सारे घूमते फिरते हैं, तो मतलब इतने लोग ठीक कर दिए, मैंने कल भी 2 डब्बे ऑर्डर किए हैं नजफगढ़ मेरे बेटे के फ्रेंड के वहाँ, और मतलब इतने लोग ठीक कर दिए भाई साहब आप, वो तो कितना धन्यवाद कर ले, आपका शुक्रिया अदा कर ले तो कम पड़ता है सब। हाँ देखिए तो, सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही ने उठाया है, और आप अपने इलाके की एक मेरे क्या कहना चाहिए मेरी मददगार, मेरी माविन, हम लोग माविन कहते हैं मददगार, मैंने एक ऐसी बहन को राजी किया जिन्होंने मेरी सारी नुस्खे इस्तेमाल किए, फ़ायदा उठाया ही नहीं बल्कि दूसरों को भी पहुंचाया, ऐसे लोग बहुत कम हैं हमारे साथ, और जो भी ऐसे जुड़ जाते हैं वो सीख जाते हैं सब, दुनिया में हम जब तक सीखने का मादा रखते हैं, जब तक हमारी विद्या बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, और जब हम सिखाने वाले हो जाते हैं तो हम ठहर जाते हैं, अब हम सिखाते ही रहते हैं, सीखते कुछ नहीं, तो हमें सीखने का शौक़ ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे हमारी बहन दयावती का है, तमाम नुस्खे जो भी मैं बताता हूँ वो लिखती हैं, आजमाती हैं, और जब फ़ायदा हो जाता है फीडबैक देती हैं। तो देखिए मैं तो आपसे बहुत खुश हूँ, पता नहीं आप मुझसे राज़ी हैं कि नहीं हैं,
बहरहाल मैंने एक अपनी बराबर जो जितनी भी बुद्धि मेरे पास है छोटी मोटी, उसकी बराबर एक बहन मेरी तैयार हो गई है जो मेरे बाद भी लोगों की सेवा करती रहेंगी। जी कोई सवाल तो नहीं है आपका दयावती जी? हाँ मैम सवाल है भाई साहब आपका, तो हम धन्यवाद इतना करें कि बहुत जीना सिखा दिया कभी एकदम, नहीं तो दवाई खा खा के नहीं इतना हो रहे थे कि परेशान, इतना मतलब अच्छा जीना सिखा दिया कि सबको मैं बोलती हूँ दवाई तो इंग्लिश ले हो ना पहले देसी नुस्खा ले हो। और एक क्वेश्चन भी है भाई साहब, एक रिलेटिव है तो वो थोड़ी सी हैवी है, पैरों में सूजन है, मुंह पे सूजन है, थायराइड भी है और कमर में दर्द भी है उनको, और आंखों पे भी सूजन है, तो उनके लिए भी कोई नुस्खा बता दो ताकि सारी एक के नुस्खे में ठीक हो जाए। ठीक है ठीक है, और लिखिए आप। देखिए 300 ग्राम धनिया, 300 ग्राम और 100 ग्राम मेथी और 200 ग्राम अलसी। वैसे मैं दूसरे नुस्खों में 100 ग्राम मिलवाता हूँ लेकिन इनको मैं 200 ग्राम मेथी मिलवा रहा हूँ, ठीक है? बस यही फ़र्क है इस नुस्खे में। और इसका पाउडर बना लें खूब बारीक, और नमक जैतून एक चुटकी और खाने का सोडा एक चुटकी, 2 गिलास पानी मिला के ये खुराक सुबह निहार मुख खिलाएं और रात को सोते वक्त ये 2 खुराक खिलाया करें, तो ये नुस्खे का अलग से तासीर बदल जाएगी कि ये इनके सूजन है ना वो जाएगी, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक अच्छी होनी चाहिए, फिर चर्बी कटनी चाहिए, थायराइड को ठीक करते हुए ये सब काम करेगी। उनसे मैडम से मेरा बस इतना सा वो है कह देना कि खाना अपनी खुराक से आधा खाएं और पानी खूब पिएं गर्म पानी, और ये नुस्खा 7-8 महीने लें अपनी दवा के साथ में, दवा ना छोड़ें अभी, जैसे थायराइड कम होगा तो फिर दवा भी कम कर सकते हैं, उसकी पोटेंसी भी कम कर सकते हैं एलोपैथिक दवा की, और मुमकिन हो तो पैदल भी चला करें और वज़न भी इससे कम होता है। ये सारे रोगों का एक नुस्खा बनवाया मैंने, आप इन्हें दीजिए और बताते रहिए हर महीने 2 महीने में, और मुझे उम्मीद है कि इनको फायदा मुमकिन है। मेरठ से हैं अगली कॉलर, नीरज जी स्वागत है आपका। शैलजा जी नमस्ते। नमस्कार मैम। रहीम साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है नीरज जी का। हाँ वो मैं भी दयावती बहन की तरह और लता जी की तरह आपका बहुत सम्मान करती हूँ और आपको अपने भाई की तरह ही मानती हूँ। बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा रोग था ये एग्जिमा का, मुझे ये 3 साल से था। मेरा ये काफी हद तक ठीक हो चुका है, हाथों पे था, मैंने बताया भी था, मैं वो ले रही हूँ गोंद चिलगोजा खाने का सोडा अलसी के साथ। तब मैंने आपसे अभी 2-3 दिन पहले सर बात की थी, तो मैंने बताया था कि मुझे पोटी में हल्का सा ब्लड आता है लगकर उसमें, तो मैंने आपसे पूछा था कि वो 6 चीजों वाला चूर्ण बना लूं, तो आपने बोला था बना लो, मैंने आज वो बनाया है सर, और मेरे पास नमक जैतून भी है इस महीने से, तो मैं दोपहर में वो लेती हूँ गोंद चिलगोजा और खाने का सोडा अलसी, तो क्या ये 6 चीजों का जो चूर्ण है इसे शाम को लूं? और एक मेरा बेटा है, मैंने आपसे पूछा था कि थोड़ा हेल्थ मतलब शरीर में कम सा लगता है, हाइट बहुत है, तो आपने कहा था चुस्त है तो रहने दो, फिर मैंने आपका सुना था कि आपने बताया था 10-11 किशमिश 2 अखरोट, मैं वो भी दे रही हूँ उसे 1 महीने से, रात को सोते टाइम ऊपर से 1 गिलास दूध पिला देती हूँ, क्या वो ठीक है सर? हाँ अच्छा है, मजबूत मजबूत डाइट है वो। हाँ जी, और एक मैं क्या मुझे दयावती बहन का नंबर मिल सकता है? अच्छा आप अपना नंबर लिखवा दीजिए, आप मेरे को नहीं दें, ये जो बैठे हुए हैं ये हमारे कॉलिंग डिपार्टमेंट के लोग, इनका नंबर लिख लें और मैं उनसे मालूम करूंगा, अगर उन्होंने हाँ किया तब आपको दे सकते हैं, और
वो अभी उनका फ़ोन या तो खुद ही आ जाएगा, वो तो सुन रही हैं, पूरा प्रोग्राम सुनती हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत मुबारक, आपका सोराइसिस बिल्कुल ख़त्म पर है। और बस सेवा किया करिए, जिस नुस्खे से आपको फ़ायदा हो, वो अगर हैसियतदार आप हैं तो किसी गरीब का इलाज अपने पास से करा दें, कोई हैसियतदार है तो उसको गाइड कर दें कि भाई ऐसे भी रॉ मटेरियल आते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, आप घर से निकलो अस्पतालों की तरफ चलो तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पैसे नहीं हैं, क्या क्या तमाशे हैं। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, लोगों की सेवा करती रहिए, तो आप भी बहुत सम्माननीय हैं हमारे लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।